तो वहीं छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर सियासत और तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साहब ने कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए हैं। पहले दिन से ही सड़कों को ठीक करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक सड़कों को लेकर हंगामा किया था। तब भी इस विषय पर मैंने बातचीत की है और तेजी से खराब सड़कों में जो सड़क में गड्ढे हैं उनको भरने का काम तेजी से चल रहा है और जनवरी अंत तक संभवतः सभी सड़कों के गड्ढे भर लिए जाएंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय होगी। पार्टी चंदखुरी में बड़ा आयोजन करने जा रही है जिसमें रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे और इसके अलावा इस दिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी। तो कांग्रेस करवाएगी सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ। आप ये देखिए कि हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएगी कांग्रेस और अब छत्तीसगढ़ भी पूरा राममय हो चुका है। अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं करते हैं। सर 22 को क्या आयोजन करने वाली कांग्रेस? 22 को कांग्रेस पार्टी सभी जिला मुख्यालयों में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाएगा और जिसको भी समय होगा वो अपनी आस्था है कहीं भी शामिल हो जाए, एक दिन पहले हो जाए, 22 तारीख हो जाए, उसके बाद 5 दिन बाद अपना शामिल हो जाए, वो उनके ऊपर है। लेकिन हम लोगों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का सभी जिला मुख्यालय में करेंगे। राजीव भवन में भी होगी और हमारे पुराने जिला कांग्रेस है वहाँ से भी शुरुआत होगी और पूरे जिला मुख्यालय में सुंदरकांड। हाँ, कौशल्या माता मंदिर भी है पास में, कोशिश करेंगे हम लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाए। सर कांग्रेस ने मना कर दिया है वहाँ पर जो आयोजन है उसमें शामिल होने से, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस यहाँ पर आयोजन कर रही है तो क्या? कोई मना नहीं किया है, कोई मना नहीं किया है। देखिए व्यक्तिगत आस्था के लिए कभी कोई मना नहीं किया है, हमारी व्यक्तिगत आस्था है कि हमें मंदिर कब जाना चाहिए, कब हमारे समय है, किस मंदिर जाना चाहिए, ये तो व्यक्तिगत निर्णय है। पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया है, कहीं कोई इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने से ही आयोजन कर रही है यहाँ से या AICC? क्यों, हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था नहीं है क्या? हमारे कार्यकर्ता करेंगे, आयोजित करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है वो 22 जनवरी को किस तरह के आयोजन करने जा रही है, लेकिन उनका ये भी और साथ ही उनका दावा है कि कांग्रेस जो है वो शुरू से राम भक्त रही है, बीजेपी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन राजीन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस राम के नाम पर राजनीति कर रही है। ये लोग बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते थे, लेकिन जब चुनाव आता है तब कांग्रेस राम की शरण में आ जाती है। कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग यदि भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, पर ये राजनीति न करें इस नाम से अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछें कि उन्होंने अयोध्या के आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। कांग्रेस चुनाव आता है तब भी भगवान राम के शरण में जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि भगवान राम को मानना है तो आस्था और श्रद्धा से माने। और अब बात कांकेर की, जहां पखांजूर नगर पंचायत में गिरी कांग्रेस की सरकार, पार्षदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। 15 में 11 पार्षदों ने किया बीजेपी के पक्ष में वोट। अविश्वास प्रस्ताव बना था हत्याकांड की वजह। असीम राय हत्याकांड में 2 नेता हैं गिरफ्तार। नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली हैं गिरफ्तार। पार्षद विकास पाल हैं गिरफ्तार। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, पखांजू नगर पंचायत में कांग्रेस की सरकार गिरी, पूरा मामला बताएं। जी आपको मैं बताता हूं कि भाजपा के नेता असीम राय की हत्या की वजह भी शायद यही अविश्वास प्रस्ताव था, जिसकी वजह से
जो नगर पंचायत के अध्यक्ष बप्पा गांगुली और एक पार्षद विकास पाल हैं, जिन्होंने उनकी सुपारी देकर हत्या करा दी थी, और अभी जो है वो दोनों जेल में हैं। और 15 तारीख की तिथि रखी गई थी, लेकिन ये हत्या का मामला सामने आने के बाद जो है उसे आज कराया गया है अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें से 11 जो पार्षद हैं, 15 पार्षद, कुल 15 पार्षदों में 11 पार्षद जो है भाजपा के पक्ष में खड़े हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की यहां सरकार अब गिर चुकी है, और आगामी तिथि तक का अब पार्षदों को इंतजार रहेगा, जब वोटिंग के माध्यम से नया अध्यक्ष चुना जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी के लिए। तो अब जाहिर से बात है कि वोटिंग के माध्यम से नया पार्षद चुना जाएगा। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव भी हत्याकांड की मुख्य वजह मानी जा रही है। कार सेवक रहे विधायक व्यास कश्यप का उपेक्षा होने का दर्द छलक गया। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नहीं मिलने से आहत हुए, और इस मुद्दे पर बात करते हुए वे भावुक भी हो गए और बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। व्यास कश्यप ने कहा कि 1991 से 21 में वो अयोध्या गए थे, लेकिन कार सेवक के रूप में कभी उनका सम्मान नहीं हुआ। ये बात कहते हुए व्यास कश्यप के आंसू छलक पड़े। व्यास कश्यप कांग्रेस की टिकट पर जांजगीर चांपा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने पिछला चुनाव बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, और इससे पहले वो बीजेपी में थे। हमने सरयू नदी पर ऐसे सैकड़ों की संख्या में लाश देखी जो कार सेवकों की थी, जो तर रहे थे, और इस बात का मुझे तकलीफ है। इस भाजपाइयों ने मैंने जीवन भर जिसकी सेवा, एक दिन भी कार सेवा के नाते मेरे नेतृत्व में इतने कार सेवक गए, एक दिन भी कभी भी मेरा सम्मान नहीं हुआ। पता नहीं क्यों इस बात का मुझे तकलीफ है कि कार सेवा चाहे कोई भी हो, वो तो धर्म के लिए गए थे, रामलला के लिए गए थे, न कि किसी व्यक्ति के लिए गए थे। परंतु दुर्भाग्य से गुटी राजनीति का मैं हर बार शिकार हुआ, और वह 1990-91 की जो घटना, मुलायम सिंह की सरकार, बाद में तो अट कल्याण जी की सरकार में बड़े बड़े लोग गए अपने आप को कार सेवक बनाने के लिए, वास्तविक कार सेवा थी मुलायम सिंह की यूपी की जब सरकार थी उस समय। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए हैं। पहले दिन से ही सड़कों को ठीक करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक सड़कों को लेकर हंगामा किया था। बैठक ली, तब भी इस विषय पे मैंने बातचीत की है, और तेजी से खराब सड़कों में, जो सड़क में गड्ढे हैं, उनको भरने का काम तेजी से चल रहा है, और जनवरी अंत तक संभवतः सभी सड़कों के गड्ढे भर लिए जाएंगे। धान खरीदी के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है, जिसे देखते हुए कोंडागांव जिले में धान खरीदी केंद्रों पर धान की आवक बढ़ गई है। जबकि पहले से रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की वजह से केंद्र पर धान रखने की जगह नहीं बची है, जिसे देखते हुए खरीदी केंद्र प्रभारी परेशान नजर आ रहे हैं। धान का उठाव नहीं होने से समय सीमा और बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बेमौसम बारिश की आशंका से भी केंद्र प्रभारी चिंतित है। हमारे जिले में जो खरीदी अभी तक हो गई है, उसका लगभग 42-43% की उठाव हो गया है, और डीओ की बात करें तो इसमें निरंतर मिलर से और ट्रांसपोर्टर से फूड और डीएमओ के द्वारा भी सतत संपर्क करके उनको उठाव के लिए कहा जा रहा है। अधिक से अधिक उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव हो सके। धान खरीदी का समय अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और लगातार किसान धान खरीदी केंद्र में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर धान खरीदी केंद्र में किस तरीके से किसानों की मेहनत की फसल जमा हो गई है, वे अपनी फसल बेच के चले गए हैं। जहां धान खरीदी केंद्र है वहां पर धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। आप देखिए पूरे धान जाम पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चिंता वाली बात धान समिति को ये लेकर है कि कहीं मौसम बिगड़ गया, बारिश हो गई, तो फिर इन धान को संभाला कैसे जाएगा। हालांकि अधिकारी बार बार यही कहते हैं कि बहुत जल्दी धान का उठाव होगा, पर धान का उठाव अभी तक नहीं हो पाया। हमारे साथ में धान
खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं, भैया क्या दिक्कतें आ रही हैं, धान क्यों उठाव नहीं हो रहा है? सर आवक बढ़ गया और आवक बढ़ने से लिमिट भी बढ़ गया, इसलिए समिति में रखने के लिए जगह नहीं है, जो उठाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारी कहीं बारिश हो गया तो लेम्स को नुकसान होगा समिति को। अच्छा ये बताइए उठाव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह, क्या बात बोल रहे हैं अधिकारी? सर अधिकारी तो बोल रहे हैं कि आज होगा कल होगा, गाड़ी एक गाड़ी दो गाड़ी भेज रहे हैं, जबकि हमारे पास आवक 3,000 से बोरा से 4,000 बोरा तक एक दिन का आवक हो जाता है, जो कि रख रखाव के लिए थोड़ा सा व्यवस्था सुधार होना चाहिए। कि धान कब तक उठाव होता है और समिति को राहत कितनी मिल पाती है, क्योंकि धान बारिश में भीगने पर पूरा नुकसान समिति प्रबंधक के ऊपर ही आती है। न्यूज 18 के लिए गिरोला से विवेक श्रीवास्तव। सूरजपुर में लापरवाह सरकारी डॉक्टरों को नोटिस जारी किया गया, तो वहीं 12 स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी हुआ है। दरअसल कलेक्टर और एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 डॉक्टर और 12 स्वास्थ्य कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसके बाद कलेक्टर ने तीनों डॉक्टरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं 12 स्वास्थ्य कर्मियों का एक एक दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया। हम लोगों ने अपने जितने भी अनुविभागीय अधिकारी उनको ये निर्देशित किया है कि 8:45 बजे अस्पताल पहुंच के देख लें एक बार कि अटेंडेंस कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है। प्रथम त्रया हम लोग यही 3 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं कि जो हमारे कर्मचारी है वो समय पर उपस्थित हो जाएँ अस्पतालों में, दूसरा वहाँ का जो साफ़ सफाई है वो रेगुलरली हो और गुणवत्तापूर्वक हो, कि SDM साहब ने हमारे यहाँ निरीक्षण किया था तो उसमें कुछ अनुपस्थित पाए गए थे तो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, और अगर असंतोषजनक जवाब होता है, उनकी उपस्थिति का सही कोई कारण नहीं होता है, तो अवैतनिक किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने अपने जितने भी अनुविभागीय। रायपुर में डक्स की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया गया। दोनों आरोपी रायपुर रेलवे स्टेशन पर और राजधानी के पब में ड्रग्स की सप्लाई करते थे, जिन्हें बिलासपुर GRP की टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर ओडिशा के बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 11 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं। बिलासपुर GRP ने इन्हें VIP गेट के पास से गिरफ्तार किया है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां नल जल योजना के निर्माण कार्य में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। ग्राम खाला माझा पारा में ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से नल जल योजना का निर्माण कार्य अधूरा है। आधे अधूरे निर्माण कार्य से ग्रामीण काफी परेशान है। पानी लाने ग्रामीण महिलाओं को लंबी दूरी तय करना पड़ता है। मामले में सरगुजा कलेक्टर ने योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य को लेकर जांच करवाकर जल्द कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांकेर की पोस्टमार्टम करने वाली संतोषी दुर्गा को भी मिला, और ऐसे में संतोषी दुर्गा पूर्व विधायक भोजराम नाग के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुई। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले वो माता शीतला के दर्शन करने पहुंची और फिर रामनगरी के लिए प्रस्थान की। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20 खबरें।